हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्त स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। मैं आशीष कुमार फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ नया सिखाने के लिए आप सभी भाइयों का। इस तरीके से प्यार बना रहे, कुछ नया सिखाता रहूँगा दोस्तों मैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊँगा, जब हम अपनी पूरी एल्बम की डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं, पूरी एल्बम की डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद उस पर हम नीट इमेज का फ़िल्टर लगाते हैं, वो किस तरीके से फ़िल्टर उस पर लगाएंगे। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया अपना, मैं आपको दिखाया था, मैंने डिज़ाइन क्रिएट कर रखी है पहले से ही। हमारी ये डिज़ाइन है एल्बम की, हमने पूरी रेडी कर रखी है। तो इस पर दोस्तों हम नीट इमेज का फ़िल्टर लगाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी पूरी डिज़ाइन कंप्लीट है और मैंने इसे कन्वर्ट कर रखा है JPG फाइल में। दोस्तों आप अपनी डिज़ाइन को PSD फाइल से JPG में कन्वर्ट कर लीजिए। इस पूरी डिज़ाइन में हम नीट इमेज का फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, किस तरीके से हम लगाएंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हम लगाते हैं। जैसे हमारी हल्दी की सीट है, मैं हल्दी की सीट पर ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट वाली सीट ओपन करी मैंने, इसमें हम फिल्टर में जाएंगे दोस्तों, नीट इमेज का फिल्टर ओपन करेंगे। यहाँ से हम क्रॉस या कैंसिल करेंगे, फिर इसमें जाएंगे नॉइज़ फिल्टर सेटिंग में, नॉइज़ फिल्टर सेटिंग सेलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन खुल जाएगा अप्लाई का, इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें कोई सेटिंग नहीं छेड़नी, ऑलरेडी पहले से सेट रहा है। अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई कर दी मैंने। अब जूम करके हम फोटो पर देखेंगे, इस तरीके से हमारा काफ़ी चिकना हो गया फ़ोटोज़, हर एक फ़ोटो। ज़्यादा फिल्टर ना लगे दोस्तों, अगर इसमें ऐसा लगे आपको ज़्यादा लग रहा है तो आपको क्या करना है, फ़िल्टर के जस्ट बाद आपको फेड करना है, Ctrl Shift F। इससे आप अब फिट कर देंगे तो आपको ये देखना है फ़िल्टर पर कितना हमें फ़िल्टर चाहिए। अब इससे आप देख सकते हैं हमें इतना रखना है फ़िल्टर, इतना रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं इसे। जैसे कि मैं रख देता हूँ इसे 60, 61, 62 अप्रॉक्स रख देता हूँ। ओके, इतना हमें फ़िल्टर रखना है, ये मैंने इस सीट पर सेट कर दिया। इस सीट को हम अब सेव कर देंगे, Ctrl W Enter, सेव होगी भाई। इसी तरीके से दोस्तों सेकेंड नंबर की सीट ओपन करेंगे, फिल्टर में जाएंगे, नीट इमेज ओपन करेंगे, कैंसिल करेंगे, नॉइज फिल्टर सेटिंग में जाएंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा। इसमें हम फेड करेंगे Ctrl Shift F। अब यहाँ से हम सेट करेंगे कितना रखना है, ज़्यादा भी रखेंगे दोस्तों फेस ज़्यादा चिकने हो जाते हैं, तो अच्छे नहीं लगते वो ज़्यादा, वो फोटो के अकॉर्डिंग ही रखना है, ज़्यादा भी नहीं ओवर हो फिल्टर। अब ज़्यादा भी ओवर फिल्टर हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। ये हमारा हो गया, ओके, ऐसे सेव करेंगे। इस तरीके से आपको हर एक सीट पर लगाना है आपको। ये वाली ओपन कर लेता हूँ, जमाला वाली सीट, इसमें फिर नीट इमेज में जाएंगे फिर से, क्रॉस करेंगे, यहाँ से नॉइज़ फिल्टर सेटिंग में जाएंगे, अप्लाई करेंगे। अब जूम करके आप देख सकते हैं हमें कितना फिल्टर रखना है। ओके, अब Ctrl Shift F करेंगे हम, अब इसमें हम थोड़ा सा कम करेंगे 66। ओके, हो गया, अब सेव कर देंगे इसे। और भी सीट है अपनी, हमें जैसे कोई भी सीट ओपन कर लो, अब हम ये वाली सीट ओपन कर लेते हैं। ऐसे हम मीट में जाएंगे, फिल्टर, ओके, कैंसिल कर दिया मैं, नॉइज फिल्टर सेटिंग में अप्लाई। बहुत ही आसान है नीट इमेज का फिल्टर चलाना दोस्तों। अभी हो गया, अब Ctrl Shift U करेंगे, हमें फेड करेंगे थोड़ा सा। ओके, हमारा फिल्टर लग गया, पूरी सीट पर फिल्टर लगता दोस्तों ये। ओके, ये सब सेव कर देंगे वहीं। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमने नीट इमेज का फिल्टर लगाया। दोस्तों सारी सीटों पर इसी तरीके से आपको फिल्टर लगाना है, आपकी फाइनल एल्बम हो जाएगी। दोस्तों आपको मैंने बताया नीट इमेज का फिल्टर किस तरीके से यूज़ करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।